11 दिन का मेरा बेबी था जब मुझे पता चला। दुनिया बिल्कुल रुक गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। और कहते हैं कि इस बीमारी का तो नाम सुन के ही आदमी बिल्कुल ऐसा घबरा जाता है कि शायद कुछ है ही नहीं। So Tanisha, when she came first to me in the year 2010, she was emotionally devastated. She was emotionally very disturbed. We conducted a few investigations. We confirmed the diagnosis. The diagnosis was confirmed to be a CML, which is chronic myeloid leukemia, which is a type of leukemia. उस टाइम तो ऐसा था कि मुझे पूरी पूरी रात, बहुत रात ऐसी रही थी कि मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैं सोई भी नहीं थी कई कई रात, नींद नहीं आती थी। बस यही सोचना रहता था कि बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का भी क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को कभी अपना आपा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। जब मैं पॉजिटिव होऊंगा तभी सामने वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के बाद मैंने अपनी वाइफ को महसूस ही नहीं होने दिया कि तेरे को कैंसर है। A few decades back, I will say, the only treatment for this kind of leukemia used to be bone marrow transplant. And as we know, bone marrow transplant is not a very easy procedure. However, fortunately, by the time she was diagnosed, and fortunately, she was found to be positive for a specific target that actually causes this disease, which is known as BCR-ABL abnormality. And since the target could be identified, we could give her targeted therapy. And that actually, this targeted therapy, I would say, has done wonders in the, especially in the treatment of this particular type of cancer. और उनका जो treatment उन्होंने मुझे दिया, उससे दो दिन में मुझे अपने आप को इतना मेरी बॉडी रिलीव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई मेरे बॉडी में, जहाँ मैं बिल्कुल वीक थी चल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा चल भी रही हूँ, भूख भी लग रही है मुझे। तो डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर मीनू वालिया को मैं भगवान का ही रूप मानती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक उस जगह उन्होंने मुझे पहुँचा दिया। जिस हिसाब से ट्रीटमेंट्स अच्छा ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से डॉक्टर्स भी अच्छा ज़रूरी होता है। और जब डॉक्टर अच्छा जरूरी है तो एक अच्छे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मुझे भी मैक्स सुपर स्पेशलिटी पटपड़गंज हॉस्पिटल का आने को मिला, और डॉक्टर्स भी मेरे वहीं मिले। तो सब मैक्स पटपड़गंज आना मेरे बहुत अच्छा लगता है, यहीं का आके रह गया हूँ, और ट्रीटमेंट जब तक चलेगा यहीं का आके रहूँगा। मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ हॉस्पिटल से।